राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। इस समय हम बरसाने में ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर दिख खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं वो पर्वत, यहाँ किशोरी जी का राधारानी मंदिर आपको सामने वो दिख रहा होगा। उस मंदिर के पीछे वो सामने जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, और मेरे जस्ट पीछे वो मान मंदिर है। तो दोस्तों अब वो बंद है, अभी अभी सभी मंदिर बंद है, क्योंकि 4:30 बजे मंदिर खुलेंगे। ये मंदिर की ध्वजा आप दिख रहे हैं। संध्या वक्त समय 2:15 का टाइम हो रहा है, और 4 बजे के बाद मंदिर खुलेगा 4:30 बजे। तब तक आप ये यहाँ के पर्वत के दर्शन करो आप सभी भक्तों। तो देखो दोस्तों, सभी दर्शन करें आप। यहाँ भगवान कृष्ण राधे रोज आते हैं यहाँ इसी पर्वत पर। तो इस समय पर्वत पर ये पेड़ को आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आप सभी भक्तों। और नीचे गांव भी आप देखेंगे, यहाँ पर मानगढ़, मानगढ़ के दायरे में ये सभी जो गांव आता है पूरा, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। तो आप सभी भक्त यहाँ से दर्शन कर रहे हैं इस ब्रह्मगिरी पर्वत का। आप सभी को, जिन भक्तों को यहाँ पर आना है, वो मानगढ़ आए बरसाना, और भक्ति का अनुभव महसूस करें। यहाँ स्वयं किशोरी राधा रानी और भगवान कृष्ण रोज इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर आते हैं, और आप भी आइए और दर्शन करें इस दिव्य स्थान के, इस बरसाना धाम से। तो आप सब भक्त दर्शन कर रहे हैं। देखो पर्वत चारों तरफ पेड़ ही नजर आएंगे इस पर्वत पर। खूबसूरत नज़ारा इस ब्रह्मगिरी पर्वत का, और नीचे की तरफ गांव आप देखेंगे। और पर्वत भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा रह गया है दोस्तों। मेरी दूसरी तरफ मान मंदिर, श्री रमेश बाबा जी महाराज का ये मंदिर है। और सीधे हाथ पे आप देखेंगे श्री जी का मंदिर, आगे श्री लाडली जी महाराज का मंदिर, राधारानी माँ का जो मंदिर है वो सीधे हाथ की तरफ है, इस पर्वत पर बना हुआ है। जो भगवान कृष्ण की शक्ति है, आराधनीय शक्ति। और यहाँ पे आप उन पत्थरों को देख रहे हैं, यहाँ पर पर्वत आप मेरे हिसाब से थोड़ा ही रह गया। आप देख सकें, यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे, टूट टूट के छोटा रह गया पर्वत। देखो दोस्तों, इस दिव्य खूबसूरत वन का आप नज़ारा आप दर्शन करें आप सभी भक्तों, इस ब्रह्मगिरी पर्वत का इस खूबसूरत नज़ारा। इस पेड़ को आप देख रहे हैं, यहाँ पर हरे भरे फूल लग रहे हैं यहाँ पर। और सभी पेड़ों को आप देखेंगे जो पूरी तरह से पत्ते इनके गायब नज़र आ रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे सभी पेड़ पौधे सूख गए यहाँ पर, फिर भी अभी भी जीवित हैं इस पर्वत पर। यहाँ पानी नहीं है, फिर भी जीवित हैं। ये किशोरी जी की कृपा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सभी व्यक्ति यहाँ से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इन सभी पेड़ पौधों के। तो भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं, ये पर्वत देखो, देख रहे हैं दोस्तों आप, जो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया है। अब पहाड़ देखने को कम ही मिलेगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है। ये सतयुग द्वापर त्रेता युग में थे, अब कलयुग में आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्वत भी टूट टूट के छोटे ईंट की तरह नज़र आ रहे हैं आपको। देखो दोस्तों, ये आप पर्वत देख रहे हैं दोस्तों, ये पर्वत है, ये जो उसकी जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे शिला में अब तब्दील हो गए यहाँ पर पत्थर, ये वो सामने आप पत्थर देख रहे हैं वो।